नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल सहित अन्य अधिकारी पर भाजपा ने फिर से हमला बोला है। बीजेपी झारखंड प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पंकज मिश्रा का आई एम वेट वाला लाइन इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, इसलिए ईडी ने इनका तमन्ना सुना और उनका इंतजार खत्म किया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, ये पंकज मिश्रा जी ही थे जिन्होंने बड़े फेमसली कहा था कि वो ईडी को खुली चुनौती दे रहे हैं, वो ईडी आए, और उनका ये जो लाइन था वो तो मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में शुमार हो गया। आई एम वेट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ईडी आए। और हमें तो ऐसा लगता है कि ईडी ने उनकी दरख्वास्त सुन ली, और आज ईडी का जिस तरीके से दो दिनों से उनके यहाँ रेड चल रहा है तो ये उन्होंने ही बुलाया था। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, और ये ऐसे जो सर्वेज होते हैं, ऐसे जो रेट्स होते हैं, वो सामान्य होते हैं। और जब इन्होंने खुद चुनौती देकर बुलाया था तो उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये तो एक इंडिविजुअल और जो ईडी के बीच का मामला था, लेकिन इसमें पार्टी बचाव के लिए क्यों कूद गई, ये समझ से परे है। इसके साथ ही अभी जो जामताड़ा में मामला निकल के सामने आया है, शुक्रवार को जो हॉलीडे कराया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार ने तुष्टिकरण की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया। हिंदू फल दुकान लिखने पे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। एक आईएएस अधिकारी खुद को सरेआम मुसलमान अधिकारी कहते हैं और कहते हैं कि गठबंधन ने मुसलमान के वोटों से ही जीता है। उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया जाता है, हिंदी को हटा दिया जाता है। और अब गढ़वा में तो जो पद्धति थी, पूजा की पद्धति थी, प्रार्थना की पद्धति, उसमें हाथ जोड़ना इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका था। और जो नवीनतम उदाहरण है जामताड़ा का है, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में इन लोगों ने शुक्रवार को छुट्टी करानी शुरू कर दी सरकार के नियम के विरुद्ध, और रविवार को क्लास चलता है, जबकि सरकारी नियम के अनुसार रविवार को छुट्टी होती है, शुक्रवार को क्लास चलना चाहिए। लेकिन जहां इनकी मेजॉरिटी है, ये नियम इनके अपने हिसाब से चल रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने स्कूल के आगे बिना सरकार की अनुमति के उर्दू विद्यालय जोड़ दिया। तो ये क्या चल रहा है? ये तालिबान है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ वैसा शासन चल रहा है कि जिसकी मर्जी में जो आए, जिसकी जहाँ जहाँ संख्या ज्यादा वो वहाँ वैसे ही करे। इसके साथ ही झारखंड में भी देखा जा रहा है आईएएस आईएफएस अधिकारी के ऊपर रेप और यौन उत्पीड़न जैसे चार्जेस लग रहे, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित पर बैठकर ऐसा करेंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, और जिस तरीके से ये खुटी में ये जो पूरी घटना हुई, उसके बाद एक आईएफएस के साथ ये घटना हुई है, तो पूरा ये सिस्टम क्या फेलियर दिखाता है। ये आईएएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं। आप समझिए, इंडिया के जो टॉप 200 अधिकारी होंगे एक बैच के, उसमें आईएएस और आईएफएस में सिलेक्शन होता है, और ये तमाम चीज़ें की शपथ लेते हैं संविधान के प्रति आस्था की, भेदभाव नहीं करने की। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठता ही है। मुझे लगता है इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो एक उदाहरण, एक मिसाल के तौर पर पूरे प्रदेश में हो, और कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। और इनके जिनका जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए फास्ट कोर्ट के जरिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।